छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो उनके एक इशारे पर जान भी न्योछावर करने को तैयार रहते थे। उन्हीं में से एक थे हंबीरराव मोहिते। हंबीरराव मोहिते का जन्म 1 मई 1630 ईस्वी को तलबीत नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता का नाम शंभाजी मोहिते था। उनका बचपन सुपे, जो कि पुणे से 70 किलोमीटर दूर है, वहां पर बीता। इनके पिता शंभाजी मोहिते बहुत ताकतवर, वीर, ऊर्जावान और साहसी सरदार थे। अपने पिता से ही इनको वीर, त्याग, बलिदान और पराक्रमी जैसे गुण मिले थे। अपनी वफादारी, स्वामीनिष्ठा और वीरता के चलते यह भारत के इतिहास में प्रसिद्ध हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ इनका नाम बड़ी ही वीरता के साथ लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हंबीरराव की उपाधि इनको शिवाजी महाराज के द्वारा ही प्रदान की गई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बहुत ही विश्वसनीय सेनापति थे, जिनका नाम नेताजी पालकर था। नेताजी की आयु अधिक हो जाने की वजह से शिवाजी ने प्रतापराव को अपना सेनापति नियुक्त किया। तभी मुगल आक्रमणकारी बहलोल खान ने आक्रमण कर दिया। सेनापति प्रताप राव ने बहलोल खान को पकड़ लिया, लेकिन प्रताप राव ने कुछ ही समय में बहलोल खान को छोड़ दिया। जब यह बात छत्रपति शिवाजी महाराज को पता चली तो उन्होंने पूर्व सेनापति पालकर को बुलाया। गंभीर मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि प्रताप राव ने बहलोल खान को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। प्रताप राव के इस कदम से छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत दुख हुआ। शिवाजी को दुखी देखकर पालकर भी दुखी हो गए। उनसे रहा नहीं गया और वापस जा रही मुगल सेना पर अपने 5 साथियों के साथ हमला बोल दिया। लेकिन मुगल सेना के साथ हुए इस युद्ध में नेताजी पालकर और उनके साथी शहीद हो गए। इस वृतांत को सुनकर छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने इस गलती के लिए प्रताप राव को सेनापति के पद से हटा दिया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने हंबीर राव को इस पद के लिए नियुक्त किया। हंबीर राव ने खुद जासूसी करते हुए अपने दम पर मुल्हेर नामक किले को जीता था। मुख्य सेनापति के पद को ग्रहण करने के बाद हंबीर राव बहुत अच्छे से कार्य कर रहे थे, जिसके चलते छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे बहुत प्रसन्न थे। इसी बीच कोपल प्रांत, जो कि कर्नाटक में स्थित था, वहां पर आदिलशाह के सरदारों ने अधिकार जमा रखा था। आदिलशाह के 2 मुख्य सरदार वहां पर तैनात थे, जिनका नाम अब्दुल रहीम खान और उसका भाई हुसैन मियां था। इन दोनों ने यहां पर बहुत अत्याचार किए और तो और यह लोग किसानों के पशुओं तक को जान से मार देते थे। साथ ही किसानों द्वारा पैदा किया गया अन्न भी यहां से लूट कर ले जाते थे। हताश और निराश होकर कोपल की जनता छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में पहुंची। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको मदद का आश्वासन दिया। कोपल को मुक्त कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने सेनापति हंबीर राव को चुना। सन 1677 में सेनापति हंबीर राव और धनाजी जाधव ने मुगलों पर हमला बोल दिया। येलबुर्गा में लड़ी गई इस लड़ाई में जिस तरह से मराठी सेना ने तबाही मचाई, उसने अब्दुल रहीम खान की आधी से अधिक सेना का खात्मा कर दिया। आदिलशाह का मुख्य सरदार अब्दुल रहीम खान इस युद्ध में मारा गया, जबकि उसका साथी हुसैन खान को कैद कर लिया गया, जिसे बाद में गोवलकुंडा में छत्रपति शिवाजी महाराज के समक्ष पेश किया गया। कोपल किले के बदले शिवाजी ने हुसैन खान को जीवनदान दिया। दोस्तों, उस समय वेल्लोर का किला सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक था, जिस पर आदिलशाह का कब्जा था। इस किले को जीतना इसलिए भी मुश्किल था कि इसके चारों तरफ एक गहरी खाई खुदी हुई थी और इस खाई में भरे पानी में कई घड़ियाल छोड़ रखे थे, ताकि कोई भी आसानी से इस किले की तरफ ना आ सके। लेकिन सेनापति हंबीर राव की बहादुरी से हर कोई परिचित था। उन्होंने ठान लिया कि यह किला कैसे भी करके आदिलशाह से मुक्त करवाना है। उन्होंने इस किले की घेराबंदी करनी शुरू कर दी। घेराबंदी हो जाने के बाद इस किले से कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर आ सकता था और ना ही बाहर से इसके अंदर जा सकता था। धीरे धीरे आदिलशाह की सेना का राशन खत्म होने लगा। आदिलशाह का सरदार
अब्दुल्ला शाह इस किले से बाहर निकल कर आया और सेनापति हम्बीर राव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। हम्बीर राव ने उसको माफ कर दिया और किले को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद सन 1689 में हम्बीर राव ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर अंतिम युद्ध मुगलों के साथ लड़ा था। जालना शहर पर मुगलों ने कब्जा जमाए रखा था। छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे भी करके इस शहर को जीतना चाहते थे। जालना शहर को जीतने का मकसद धन दौलत इकट्ठा करना भी था। सेनापति हम्बीर राव की अगुवाई में 20,000 सैनिकों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने जालना पर आक्रमण कर दिया और लगभग 4 से 5 दिनों तक धन दौलत लूटते रहे। इस दौरान औरंगाबाद के केसरी सिंह और सरदार खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना को घेर लिया। सरदार खान ने पूरी योजना बना रखी थी कि इस युद्ध में कैसे भी करके छत्रपति शिवाजी महाराज को मारना है, लेकिन इस बीच केसरी सिंह का मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने शिवाजी की जान बचाने की योजना बनाई। केसरी सिंह के करीबी बहरजी नायक ने एक ऐसा गुप्त रास्ता बताया जिसके सहारे शिवाजी बचकर निकल सकते थे। 3-4 दिनों तक इस गुप्त रास्ते की मदद से शिवाजी बचकर अपने गृह राज्य पहुंचे। इसके बाद 3 अप्रैल 1680 को मराठा साम्राज्य के लिए एक काला दिन माना जाता है। इस दिन भारत के सबसे शूरवीर, प्रतापी और सम्राट महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज पंचतत्व में विलीन हो गए। शिवाजी के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे लोग थे जो राज्य के विरुद्ध हो गए और उन्होंने शिवाजी के छोटे बेटे राजाराम को गद्दी पर बैठाने का फैसला किया, जो कि नियमों के विरुद्ध था। यह बात शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी से छुपाई गई और मात्र 10 साल की आयु वाले राजाराम को गद्दी पर बिठाकर राज्याभिषेक कर दिया गया। शिवाजी का छोटा बेटा राजाराम सेनापति हम्बीर राव की बहन का बेटा था। सेनापति हम्बीर राव को यह बात बहुत बुरी लगी क्योंकि नियमों के अनुसार शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी महाराज को राजा बनाया जाना चाहिए था। सेनापति हम्बीर राव ने भ्रष्ट मंत्रियों और लालची लोगों का साथ न देते हुए, साथ ही अपने भतीजे राजाराम की परवाह भी न करते हुए धर्म के अनुसार संभाजी महाराज का समर्थन किया और उन्हें शिवाजी का असली उत्तराधिकारी बताते हुए राजगद्दी पर बिठाया। इतना ही नहीं, छत्रपति संभाजी महाराज के समक्ष उन सभी भ्रष्ट मंत्रियों और सेनापति हम्बीर राव ने प्रस्तुत किया जो राज्य विरुद्ध कार्य कर रहे थे। इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि सेनापति हम्बीर राव कितने कर्तव्यनिष्ठ थे। मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब भावनात्मक रूप से बुरहानपुर से जुड़ा हुआ था। औरंगजेब की मां मुमताज महल की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी और साथ ही औरंगजेब की दोनों बहनों रोशन आरा और गौहर आरा, दोनों बेटों आजम और मुआजम का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। व्यापारिक दृष्टि से यह शहर बहुत महत्वपूर्ण था। दक्षिण और उत्तर भारत को जोड़ने वाले बुरहानपुर में 17 व्यापारिक केंद्र थे। इस समय मराठा सरदारों को अपने राज्य को बढ़ाने और सैन्य व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए धन दौलत की जरूरत थी। छत्रपति संभाजी महाराज और सेनापति हम्बीर राव मोहिते ने मिलकर बुरहानपुर पर हमला करने की योजना बनाई ताकि अपार धन दौलत और संपदा हासिल की जा सके। साथ ही मुगलों को यहां से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 30 जनवरी 1681 का दिन बुरहानपुर और यहां के सूबेदार खानजहां के लिए एक काला दिन बनाया। सेनापति हम्बीर राव मोहिते ने संभाजी के साथ मिलकर हमला कर दिया। इसके पहले कि मुगल संभल पाते, मराठी योद्धाओं ने मारकाट मचा दी। इस युद्ध से मराठाओं को बहुत बड़ा फायदा हुआ। आर्थिक रूप से मजबूती के साथ यश और कीर्ति में भी बढ़ोतरी हुई। 17 मार्च 1683 के दिन रमणमस्त खान, जो कि औरंगजेब का सबसे करीबी और जाबाज सरदार था, उसको पराजित कर दिया गया। इसके बाद 1687 ईस्वी में हुए युद्ध में हम्बीर राव मोहिते ने अपनी तलवार के दम पर रुस्तम खान को बुरी तरह से पराजित किया। यह युद्ध वाई में लड़ा गया। 16 मार्च 1687 के दिन तोप से निकला एक गोला सीधा हम्बीर राव मोहिते को जाकर लगा और 57 वर्ष की आयु में वो रणभूमि में ही शहीद हो गए। 16 मार्च को हम्बीर राव मोहिते की पुण्यतिथि हर साल मनाई जाती है। हम्बीर राव मोहिते की समाधि तलबीड़ में बनी हुई है। तो दोस्तों, यह था
स्वराज के पहले सेनापति हम्बीरराव मोहिते का इतिहास। दोस्तों, हम्बीरराव मोहिते के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।